सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू वीएनडी फूड वाला। फ्रेंड, आज हम दिखाने वाले हैं आपको कि होटल में इंडियन कुजीन में बनने वाले टमाटो ग्रेवी कैसे बनाए जाते हैं। तो फटाफट से आपको दिखाते हैं टमाटो ग्रेवी कैसे बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड, यहां पर हमने लिए हैं 40 किलो टमाटर और इसमें लगभग आधा किलो काजू और 100 ग्राम हरी मिर्ची, 100 ग्राम लहसुन छिलके वाला और 1.5 किलो प्याज, आधा किलो खोया और ये सब डाल दिया गया है। और फ्रेंड, इसमें डाला गया है लगभग 100 ग्राम तक अदरक डाली गई है और इसको अच्छे से धुल के और कटिंग करके इसको बड़े से भगोने में ले लिया गया है। और आप देख सकते हैं इसको भगोने पर चढ़ा दिया गया है। तो अब इसको हाई फ्लेम पर इसको उबलने देंगे और आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये धीमे धीमे उबल रहा है। और अब इसको एक कंडीशन पे पकाएंगे कि टमाटर लगभग 50% गल जाए, बाकी इसको ग्राइंडर मशीन में डाल के इसको पीसा जाएगा। बाकी का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, कलरफुल लग रहा है। तो अब ये बहुत सारी ग्रेवी यूज़ किया जाता है, जैसे हो गया अब कढ़ाई पनीर, हो गया पनीर बटर मसाला, हो गया और कई सारे पनीर के डिशेस हैं जिसमें ये यूज़ किया जाता है। और इसके बिना तो होटल में ग्रेवी, इसको मास्टर ग्रेवी भी कही जाती है क्योंकि कई सारी इसमें डिशेस में यूज होता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें काजू वगैरह सब चमक रहे हैं। तो फ्रेंड, अब ये लगभग 20 मिनट तक हो गया है पकते हुए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये लगभग 10% करीब ये लगभग गल चुका है। और अभी थोड़ा सा इसको और पकाएंगे हाई फ्लेम पे। बस थोड़ा ध्यान रहे फ्रेंड कि ये छिट्टे आते हैं। तो अब इस कंडीशन पे इसको गैस को ऑफ कर देंगे और अब इसको थोड़ा सा रख देंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि ये एकदम गर्म पीसेंगे तो इसमें भाप निकलता है, तो फिर थोड़ा मशीन का भी दिक्कत होगा और हाथ पैर का भी दिक्कत होता है। तो फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं कि कितना पहले से कितना कम हो चुका है। तो ये बड़ी सी ग्राइंडर मशीन है जो अब इसको ग्रेवी में कन्वर्ट करेगा। तो अब इसको पीसेंगे और पीसने के बाद आगे का आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, थोड़ा थोड़ा करके इस मशीन में डाला जाता है और अब इसको मशीन को चालू करेंगे और इसको पीसा जाएगा। धीरे धीरे करके इसको पीसा जाता है। बस थोड़ा ध्यान रखें फ्रेंड, क्योंकि मशीन अगर बड़ी हो, हैवी हो, तो थोड़ा सा दूरी बनाए रहें। तो फ्रेंड, अब इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते हैं मशीन में और इसको पीसेंगे। इसको दो बार में पीसना है क्योंकि इसको हमको फाइन पेस्ट बना लेना है। तो अब इसको आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा ये पहला बैच पीस रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके इसको डालते रहेंगे और ये पीसते रहेंगे और अच्छे से इसको बढ़िया सा फाइन पेस्ट बना लेना है। इसलिए इसको दो बैच में पीसा जाएगा। पहला बैच ये पीस चुका है, आप देख सकते हैं फाइनली फ्रेंड। और अब इसको चलते हैं दूसरा बैच पीसेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमने दूसरा एक फ्रेश भगोना ले लिया है और अब इसको दूसरे बैच में इसको पीसा जाएगा, क्योंकि इसको एकदम बारीकी एकदम पेस्ट बना लेना है, फाइन पेस्ट। और अब ये दूसरा बैच हम पीस रहे हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर हमारा दोनों बैच पीस चुका है। तो अब इसका आप देख सकते हैं कि लगभग सवा भगोने के करीब हमारा ये ग्रेवी हुआ है 40 किलो टमाटर में। अब यहाँ चलते हैं आगे के प्रोसेस में। हमने एक भगोना ले लिया है और इसमें डालते हैं लगभग आधा लीटर के करीब इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा खड़े मसाले। खड़े मसाले में जाएगा फ्रेंड थोड़ा सा तेज़पत्ता, 8 से 10 पत्ते तेज़पत्ते जाएंगे। और थोड़ा सा इसमें जाएगा 4 से 5 बड़ी इलायची और 2-3 इंच करीब जाएगा इसमें दालचीनी। और थोड़ा सा 1-2 लौंग आप और 4-5 छोटी इलायची इसमें डाल सकते हैं। और अब इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। गर्म होने के बाद इसमें डाला जाएगा 3 से 4 बड़े डब्बू के करीब भर के इसमें डाला जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब ये 2 डब्बू हो चुका है और लगभग 1 डब्बू करीब अभी और डाला जाएगा, क्योंकि ग्रेवी हमारे पास काफ़ी सारी है तो इसको लगभग उस क्वांटिटी में बनाया जा रहा है। तो लगभग 3 डब्बू के करीब इसमें डाला गया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे धीरे धीरे और धीमी आंच पे इसको भूनेंगे, क्योंकि इसका जलने का खतरा रहता है क्योंकि ये चिपकता है तले में, तो इसलिए धीमी आंच पे इसको भूनेंगे। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो अब इसमें लगभग देगी मिर्च पड़ेगी, लगभग 100 से 150 ग्राम करीब इसमें देगी मिर्च डाली जाएगी। ये 100 ग्राम का करीब डब्बा होता है, तो 1 डब्बा इसमें डाल चुके हैं, लगभग आधा डब्बा अभी और डालेंगे। तो ये आधा डब्बा और डाल दिए हैं देगी
देगी मिर्च, और अब इसको फिर से वापस से इसको भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं ताकि ये तले में लगे ना, और अब इसको भूनेंगे। और आप देखिए फ्रेंड अभी कितना कलरफुल ये ग्रेवी बनके तैयार होती है, इतना इसका टेक्सचर इतना बढ़िया लगता है। और अब इसमें डाला गया है एक मुट्ठी करीब नमक, 1 से 1.5 मुट्ठी करीब नमक, और इसमें 2 मुट्ठी करीब इसमें डाला जाएगा है कोकोनट पाउडर होता है, कोकोनट क्रश जो होता है वो डाला गया है। इसे इसका रिचपन बहुत अच्छा आता है, देखने में कलर बहुत अच्छा लगता है। तो इसको वापस से इसको भूनेंगे धीमी धीमी आँच पे इसको भूनेंगे, और अब इसमें डालेंगे टमेटो ग्रेवी जो हमारे पास बनी थी। तो ये एक फुल भगोने का हमने डाल दिया है, और सवा भगोने का करीब जो दूसरा वाला था वो भी इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि अभी इसको पकने में काफ़ी समय लगता है, लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं पकने में। तो इसलिए इसमें लगभग थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये लगे ना, और वैसे भी ये पकड़ता नहीं है टमाटो ग्रेवी। तो इसको हाई फ्लेम पे अभी इसको बढ़िया पकाया जाएगा, लगभग 2 से 2.5 घंटे के करीब इसको पकाया जाएगा हाई फ्लेम पे। और अभी आपको आगे चल के दिखाते हैं कितना बढ़िया ये दिखता है। तो अब ये डाल दिया गया है, और थोड़ा सा पानी और डाला गया है क्योंकि अभी पकने में समय लगेगा, तो इसलिए बढ़िया से मिक्स हो जाए सारे मसाले वगैरह, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल के पूरा मिक्स किया गया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड ये पूरा एकदम सारे मसाले ग्रेवी वगैरह सब मिक्स कर दिए गए हैं, और इसको आप हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे, लगभग 2 से 2.5 घंटे के करीब इसको पकाएंगे। और उसके बाद आपको दिखाते हैं फ्रेंड, लगभग ये चौथाई हिस्सा जो होता है इसका, चौथा हिस्सा ये लगभग अभी कम हो चुका है, इसका मतलब इसका जो पकने का समय है वो पूरा हो गया है। तो फ्रेंड अभी आपको दिखाते हैं कि किस ये मतलब एक इसका तार होता है, उस तार में होना चाहिए। तो जब हम पलटे पे उठा रहे हैं फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं रुक रुक के गिर रहा है, इसका मतलब ये पूरी तरह से पक चुका है। तो फ्रेंड अब इसमें हम सूप स्टेनर लेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा करके इसको छानेंगे, और इसको स्टोर करके रखते हैं, 2 से 3 दिन तक इसका बैच चलता है होटलों में। तो अब फाइनली फ्रेंड आप देख सकते हैं कि कैसे ये बना है। और फ्रेंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने भाई को।